Now, the next part. The structure of the research report. Under this head, अब आपको जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट बनती है, जिसको आप मार्केट सर्वे रिपोर्ट कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर सिखाते हैं। उसमें तीन सेक्शन होते हैं मेन। फ्रंट सेक्शन होता है, एक आपका बैक सेक्शन होता है, और एक मिडिल सेक्शन जिसको बॉडी और टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट कहते हैं। ठीक, सबसे पहले प्रीफैक्टरी आइटम्स, फिर टेक्स्ट और बॉडी, फिर टर्मिनल आइटम्स। ठीक, आप चाहें तो इनको बहुत ढंग से देखेंगे ताकि अपनी मार्केट सर्वे रिपोर्ट में आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कर पाए। सबसे पहले ब्लैंक पेज, नीचे का डिस्क्रिप्शन है तो उसी के थ्रू चलते हैं। ठीक है, देखिए प्री फैक्ट्री आइटम्स, तो आपकी रिपोर्ट में जो शुरू वाले पेजेज होंगे इन जनरल लैंग्वेज, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाले पेजेज हैं आपके पास, उन स्टार्टेड पेजेज में सबसे पहला पेज होगा आपका, ठीक है, इसको टाइटल पेज कहते हैं, जिस पर आप अपना टाइटल लिखेंगे। टाइटल जैसे लास्ट टाइम भी एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अ कंपैरेटिव मार्केट सर्वे ऑफ मैकडॉनल्ड एंड पिज्जा हट इन पीलीभीत, दिस इज योर टाइटल। सो ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपके टाइटल पेज में, आप फ्रंट पेज में इसको बाइंडिंग में भी लगवा सकते हैं। तो इनमें आप एडिक्वेटली डिस्क्रिप्शन देंगे अपने टाइटल ऑफ रिसर्च स्टडी का, सबमिटेड टू सबमिटेड वाई लिखते हैं, लेकिन अगर थीसिस लोग लिखते हैं तो वहाँ नेम ऑफ द ऑथर होता है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट होता है, किसको सबमिट करनी है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, अगर आपने पुरानी कोई रिपोर्ट देखी हो तो जो आपको ग्रुप्स पर सेंड की गई थी, उन रिपोर्ट्स में भी ये टाइटल पेज आपने देखा, जिसमें कॉलेज का नाम और आपके गाइड का नाम, जो आपका मार्केट सर्वे रिपोर्ट का गाइड है, और कॉलेज, सर्वे करने वाले का नाम, तो सबमिटेड टू सबमिटेड वाई, टाइटल पेज, वो सब आप लिखेंगे। उसके बाद एक सर्टिफिकेट बनेगा, जिसको सर्टिफिकेट या फिर अप्रूवल सीट कहते हैं, ठीक है, जिस पर सुपरवाइजर के या फिर आपने जो गाइड चुना है आपके, या ठीक है वो अरीना मैम है या फिर इमरोज खान है या फिर हिमांशु खंडेलवाल, जो भी हैं उनके साइन होते हैं, उसको अप्रूवल सीट कहते हैं। रिसर्चर डिक्लेरेशन देता है कि जो काम करा है उसने, वो ओरिजिनल और बोनाफाइड वर्क है, विच इज़ डन बाई हिम और हर। फिर वो किसी को अगर वर्क को डेडिकेट करना चाहता हो तो वो उसका नाम लिख सकता है, एक पेज वो मदर फादर जिसको भी देना चाहता हो। देन एक प्रीफेस या फिर एक्नॉलेजमेंट लिखना होगा आपको। एक्नॉलेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है व्हेन यू एक्सेप्ट कि ये सब कुछ किस किस तरह से किसने किया है, कैसे हुआ है। तो इफ द रिसर्चर हैज ऑप टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस रीजन ऑफ स्टडी एल्सवेयर इन द रिपोर्ट, ही और सी मे नॉट राइट प्रीफेस, बट ही मे से यूज पेज फॉर ओनली एक्नॉलेजमेंट। In acknowledgement, the researcher acknowledges the assistance and support received from individual organization in conducting the research. It is intended to express his or her gratitude to them. तो ध्यान रखेंगे, देखिए acknowledgement अगर आपसे पूछा जाता है, कई बार वाइवा में acknowledgement ही major question हो जाते हैं, बच्चे नहीं बता पाते, तो acknowledgement simple सा आप स्वीकार करते हैं कि आपने किस किस से, किस किस ऑर्गेनाइजेशन से असिस्टेंस लिया है जब इस रिपोर्ट को आपने तैयार किया है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनके प्रति आप कर्टेसी दिखाएं और उसको लिखें। तो एक्नॉलेजमेंट सिंपली आपको समझ में आ गया, इट एक्नॉलेज द असिस्टेंस एंड सपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स, तो आपने जिससे भी सहायता ली है उसको एक्नॉलेज करना ही एक्नॉलेजमेंट में आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये ध्यान रखेंगे।
उसके बाद द टेबल ऑफ कंटेंट्स आएंगे आपके, ठीक। तो उसमें लिस्ट ऑफ चैप्टर्स और उनके चैप्टर्स के आगे आप चाहें तो पेज नंबर लिखते हैं लोग, वो सब लिख देंगे। फिर जो टेबल्स हैं आपकी रिपोर्ट में उनको भी नंबर देंगे, तो उनकी भी आप एक लिस्ट ऑफ टेबल्स टेबल ऑफ कंटेंट के बाद अपनी मार्केट सर्वे रिपोर्ट में लगाते हैं, ठीक है। फिर अगर बहुत ज़्यादा ग्राफ चार्ट डायग्राम फिगर बने हुए हैं तो पेज नंबर के हिसाब से उनकी भी एक लिस्ट बनाइए और वो भी इनक्लोज करनी पड़ेगी। अगर केस स्टडीज हैं तब एक लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी और उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल सा सिनॉप्सिस होता है, ये एक तरीके की समरी होगी, ठीक। आपके जो भी फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स ऑफ स्टडी हैं वो आपको देना होता है, ठीक। तो अभी तक आपने प्री फैक्ट्री टेक्स्ट पढ़ा या फिर प्री फैक्ट्री आइटम्स पढ़े, जिसमें सबसे पहले टाइटल आया, टाइटल के बाद आपको अप्रूवल सीट आई, जिस पर आपके सुपरवाइजर या फिर आपका जो भी टीचर जिसके अंडर आप जिसको सबमिट कर रहे हैं, जिसके भी अंडर आपने बनाई है, उसका नाम आएगा। देन यू हैव टू टेक अ रिसर्चर डिक्लेरेशन, जिसमें आप स्पेसिफाई करेंगे योर वर्क इज डन इन बोनाफाइड एंड ओरिजिनल वर्क। देन इफ यू वॉन्ट टू डेडिकेट द वर्क तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। देन यू एक्नॉलेज, फिर टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ चार्ट, टेबल ऑफ ग्राफ्स, टेबल ऑफ केस और टेंथ आइटम है। फिर एक एक समरी लिख देंगे आप पूरी रिपोर्ट की, हाउ यू डन, हाउ यू फाइंड और आपका पर्पज अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, वो सब लिख देंगे आप एब्स्ट्रैक्ट में। उसके बाद मेन टेक्स्ट या फिर इसको बॉडी ऑफ द रिपोर्ट कहते हैं। ये जो स्टार्टिंग के पेजेज हैं ये आपको एक पेज हार्डली लिखना होता है, एक पेज में वो सारी कुछ आ जाता है। जो मेन रिपोर्ट है वो आपका बॉडी ऑफ रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक। इसमें आपको थ्री पार्ट्स में डिवाइड है ये। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप फुल डिटेल में सारी चीज़ें लिखेंगे, जिसमें कंसीडर करेंगे आप सिग्निफिकेंस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ टॉपिक। मान लीजिए आपने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मैकडोनल्ड एंड पिज्जा हट ही टॉपिक लिया है, तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि ये टॉपिक क्यों अच्छा है और फिर इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस क्या है। या फिर अभी अगर कोल्ड ड्रिंक की कोविड की वजह से, या फिर आप सिंपल सा टॉपिक लेते हैं, द डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ पेप्सी ड्यूरिंग द कोविड सीजन, सीजन नहीं कहेंगे, ड्यूरिंग द कोविड, ठीक है। तो अगर कोरोना के दौरान पेप्सी की सेल्स में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक, अगर इस तरह का आपने टॉपिक लिया है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस टाइम ऐसी रिसर्च जरूरी है और इन रिसर्च का सिग्निफिकेंस ये है कि लोग कोल्ड ड्रिंक को कैसे और क्यों अवॉइड कर रहे हैं या फिर अवॉइड करनी चाहिए। तो एक सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। उसके बाद आपको अपने टॉपिक का थियोरेटिकल बैकग्राउंड लिखना होगा, ठीक। थियोरेटिकल बैकग्राउंड में अगर इस तरह का कोई रिपोर्ट पहले बन चुकी है किसी ने, तो उसमें क्या फाइंडिंग्स थी वो एक सिंपल सा इंट्रो दे देंगे आप। फिर अपनी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिखेंगे, उस प्रॉब्लम में कुछ टर्म ऐसे होंगे लाइक एटीट्यूड भी है या कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो वो सब आप डिफाइन कर देंगे, हु इज द कस्टमर, हु व्हाट इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक, जिनको ऑपरेशनल डेफिनेशंस कहते हैं, वो सब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में डिस्क्राइब करना है। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे आप, आपकी जो भी मार्केट सर्वे रिपोर्ट या फिर टॉपिक है आपका, उससे रिलेटेड कोई अगर मैं बुक्स, मैगजीन, आर्टिकल, रिसर्च पेपर में जो भी मटेरियल छपा था, ठीक,
वो सब कंसीडर करते हुए आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस जो टेस्ट होना है, कुछ टर्म और कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको अगर डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है तो उनकी डेफिनेशन लिख दीजिए, स्कोप ऑफ द स्टडी बताइए कितने टाइम लगेगा, पीरियड ऑफ द स्टडी, सोर्स ऑफ डाटा क्या रहेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन क्या रखेंगे आप, वेदर सैंपल और सेंसस, सैंपलिंग डिजाइन क्या होगी, डाटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट क्या होगा और हाउ यू विल कंडक्ट द फील्ड वर्क। तो ये आपका इंट्रो इंट्रो फेज है, ठीक है, यही कंटेंट होते हैं किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में और वो आपको आने चाहिए। देन डाटा प्रोसेसिंग एनालिसिस प्लान क्या है आपका, देन लिमिटेशन अगर कोई थी स्टडी में तो फिर आप चैप्टर प्लान लिखेंगे। ठीक, तो अभी तक आपने पढ़ा सबसे पहले प्री फैक्ट्री आइटम्स, यहाँ पर एक एक पेज में थे, टाइटल था, फिर आपने रिसर्चर डिक्लेरेशन पढ़ा, फिर आपको एक अप्रूवल मिलता है, अगर डेडिकेशन देना चाहते हैं आप डेडिकेशन दे सकते हैं, उसके बाद फिर आपको डेडिकेशन के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट देना होता है, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट दे सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद मेन टेक्स्ट में आए आप या मेन बॉडी टेक्स्ट में आए तो उसमें आपने तीन पार्ट में उसको बांटा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में ये सारे हाईलाइटेड पॉइंट आपने पढ़े, इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, पीरियड ऑफ स्टडी, सोर्स ऑफ डाटा, मेथड ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट और एटसेट्रा। इसमें दूसरा पार्ट है, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन ऑफ एविडेंस, ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें सेवरल चैप्टर्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी और आपका स्कोप ऑफ द स्टडी बहुत वाइड है तो उतना लेंथी चैप्टर्स इसमें बढ़ते चले जाते हैं। फिर भी ज़रूरत ये है कि ऑल द चैप्टर्स शुड बी बैलेंस्ड, म्यूचुअली रिलेटेड और अरेंज्ड होने चाहिए इन लॉजिकल सीक्वेंस, ताकि आप जो फाइंडिंग्स आए आपकी वो एक तरीके का इंटरेस्ट भी सस्टेन करें एक रीडर्स के लिए, एक रीडर के लिए। हर चैप्टर को एक अलग अलग हेडिंग दी जाती है, ठीक। उसके बाद द एंटायर वर्बल प्रेजेंटेशन शुड रन इन इंडिपेंडेंट इन स्ट्रीम, मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू बेस्ट कंपोजिशन रूल, ईच चैप्टर शुड एंड विद समरी एंड लीड इन टू द नेक्स्ट चैप्टर। While dealing with the subject matter of text, following aspects should be taken care of, जैसे कि heading है, quotation है, footnote है। अब heading में देखिए ये तरीका है, ये भी सब सीखने की चीज़ें हैं। Headings, center head कहते हैं इसको, all capital बिना underline के लिखेंगे। Center sub head भी capital and lower case होते हैं, अंडरलाइनिंग कर सकते हैं आपका। साइड हेड कैपिटल में होते हैं बिना अंडरलाइन के, साइड सब हेड कैपिटल और लोअर केस में, पैराग्राफ हेड फॉलोड बाई कॉलन। तो ये तरीके हैं लिखने के, ठीक है। तो इनमें कुछ ऐसा डिस्क्राइब नहीं करना है, आप एज इट इज भी पढ़ेंगे तब भी ठीक है। सेंटर हेड, ठीक, अब देखिए सेंटर हेड का मतलब है इट इज टाइप्ड इन ऑल कैपिटल लेटर, द टाइटल इज लॉन्ग इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल विल बी यूज्ड, ऑल कैप हेडिंग आर नॉट अंडरलाइंड, अंडरलाइनिंग इज अननेसेसरी बिकॉज कैपिटल लेटर एनफ टू अट्रैक्ट द रीडर सिचुएशन। ये आपका टाइटल मान लेते हैं हम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में लिखा गया, अंडरलाइनिंग की जरूरत है नहीं, ठीक। चॉकिंग आउट अ प्रोग्राम फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, सेंटर हेड देखिए कैसे बनेगा, फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर एंड ऑल नाउन ऑब्जेक्टिव वर्ब एडवर्ब इन द टाइटल आर कैपिटलाइज्ड।
आर्टिकल प्रीपोजिशन और कंजक्शन को कैपिटलाइज नहीं करते हैं। दूसरा तरीका ये है आपका सेंटर हेड को लिखने का। उसके बाद साइज हेड, साइड हेड, जैसे इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट, पब्लिक प्रमोशन, सॉरी। उसके बाद पैराग्राफ हेड, उसके बाद आपका कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क आपको दिख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंडर ही लिखे जाते हैं, ठीक। वो डिपेंड करेगा वेदर डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने हैं आपको। उसके बाद व्हेन टू यूज कोटेशन मार्क, जब कोटेटेड पैसेज या वर्ड हो जिनको एम्फेसाइज करना हो, टाइटल ऑफ आर्टिकल्स, चैप्टर, सेक्शन, रिपोर्ट, अनपब्लिश्ड वर्क, ये सब आपको इन्वर्टेड कॉमा में कोट करना है। उसके बाद फाइव वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ कोटेशन, जैसे ही और सी सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है, या फिर इंटरपोलेशन हो सकता है जिसमें डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन दे दिया जाता है और इन्वर्टेड कॉमा से उसे स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं। उसके बाद एंड रेफरेंस भी आपका द प्राइमरी टेस्ट ऑफ सक्सेस इन द नेगोशिएशन इज द प्रेजेंस ऑफ गुडविल ऑन बोथ साइड, इसको एंड रेफरेंस कहते हैं, ठीक। इसमें आपका जो ही और सी सेड है, इसको अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक। उसके बाद इंडेंटेड पैराग्राफ, देन रनिंग इनटू सेंटेंस, सबसे पहले आपको ही और सी रिकमेंडेड, उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। आप चाहें तो ये आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो आपको कोटेशन के टाइप्स याद रखने चाहिए। रनिंग इनटू सेंटेंस, इंटेंडेड पैराग्राफ और एंड रेफरेंस या फिर इंटरपोलेशन और इंट्रोडक्शन, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद हैं फुट नोट्स, ठीक है। फुट नोट आपको पता है जो पेज नंबर नीचे लिखा होता है, फुट नोट ईदर इंडिकेट द सोर्स ऑफ रेफरेंस और प्रोवाइड ए एक्सप्लेनेशन विच इज नॉट इम्पोर्टेंट एनफ टू इंक्लूड इन द टेक्स्ट। इन द ट्रेडिशनल सिस्टम बोथ काइंड ऑफ फुट नोट आर ट्रीटेड इन सेम फॉर्म, आर इंक्लूडेड ईदर एट द बॉटम ऑफ पेज और एट एंड ऑफ चैप्टर और बुक। इन मॉडर्न सिस्टम एक्सप्लेनेटरी फुट नोट आर पुट एट द बॉटम ऑफ पेज एंड लिंक्ड विद द टेक्स्ट विद फुट नोट नंबर। सच सोर्स रेफरेंस आर इनकॉर्पोरेटेड विद द टेक्स्ट आर सप्लीमेंटेड बाई बिब्लियोग्राफी नोट एट द एंड ऑफ चैप्टर। तो आप चाहे तो फुट नोट जैसे लिख सकते। फुट नोट सिंपली आपने देखा होगा एक इलस्ट्रेशन बना होता है या एक टेबल बनी होती है, उसके नीचे लिखा होता है सोर्स, लाइक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2019। तो इस तरीके से फुट नोट लिखा जाता है, ठीक। नंबरिंग ऑफ फुट नोट जरूरी है, उसको आप चाहे तो न्यूमेरल में लिख सकते हैं, अल्फा न्यूमेरल में लिख सकते हैं। उसके बाद टेबल्स में रेफरेंस इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना रेफरेंस इंटरप्रिटेशन के टेबल को क्लेरिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईच टेबल इज गिवन अ नंबर, टाइटल, इफ नीडेड ए सब टाइटल।
जैसे टाइटल के लिए कैपिटल लेटर यूज किया जाता है, एब्रीविएशन और सिंबल्स आर नॉट यूज्ड इन टाइटल और सब टाइटल, ये सब कॉमन बातें हैं। चेकलिस्ट, रिलेवेंस, एक्यूरेसी, क्लैरिटी आर द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन टेबल्स। व्हेन एंटरिंग द टेबल चेक द फॉलोइंग। ये टेबल आपको टेबुलेशन फोर्थ यूनिट में फुल डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। वहाँ भी टेबुलेशन जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले टेबल नंबर का नाम क्या करेक्ट है, टाइटल सब टाइटल क्लियर है, कॉलम हेडिंग क्लियर लिखे हैं, रो कैप्शन क्लियर हैं, एक्यूरेट डाटा एंटर किया गया है, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेशन करेक्ट हैं, रेफरेंस सही से दिया है आपने, टेबल ऑफ क्लैरिटी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है टेबल के लिए, सोर्स आपने दिया है, अनकॉमन एब्रीविएशन कोई था तो उसको स्पेल आउट किया है, फुटनोट की एंट्री है, और सारे रूल्स एप्लीकेबल हैं कि नहीं। उसके बाद है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन आप जानते हैं, चार्ट, डायग्राम, मैप्स को इलस्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को आइडेंटिफिकेशन मार्क कहते हैं, जिसमें नंबर, टाइटल और सब टाइटल इफ आर पुट एट द बॉटम, बिकॉज एन इलस्ट्रेशन अनलाइक अ टेबल इज स्टडीड फ्रॉम बॉटम अप ए पार्ट। तो आपने मेन टेक्स्ट में कुछ चीज़ें पढ़ी, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ रिटर्न था। इंट्रोडक्शन के बाद आपने दूसरी चीज पढ़ी, जिसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन ऑफ एविडेंस। इसको बहुत प्रिसाइजली लिखना होता है, ठीक। इसमें चार चीज़ें आती हैं आपकी, हेडिंग, कोटेशन, फुटनोट्स और एग्जिबिट। एग्जिबिट में वही सारे आपके इलस्ट्रेशन वगैरह आते हैं। फुटनोट्स आप जानते ही हैं, नीचे सोर्स लिखना होता है किसी टेबल पर, तो नीचे रेफरेंस के तौर पर वह कहाँ से लिया गया है ये साफ साफ लिखा होता है। कोटेशन इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कहाँ करना है, हेडिंग्स को कैसे राइट करते हैं, वो सब आपने सीखना था। तो हेडिंग के ये टाइप्स दे रखे थे इन्होंने, सेंटर हेड, सब हेड, साइड हेड, सेंटर सब हेड, पैराग्राफ हेड। उसके बाद कोटेशन मार्क को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, ठीक। उसको भी लिखने के तरीके हैं, वो हैं इंट्रोडक्शन, इंटरपोलेशन, एंड रेफरेंस, इंडेंटेड और रनिंग इनटू सेंटर। उसके बाद फुट नोट हैं, चाहे जैसे लिख सकते हैं आप उनको, जो सही तरीका है वो लिखेंगे तो और इजी है। फुट नोट्स को एंड ऑफ द चैप्टर पे ही लिखा जाता है, ठीक, या फिर बॉटम ऑफ द पेज पे। ये दो ही इसके तरीके होते हैं फुट नोट को लिखने के। नंबरिंग ऑफ फुट नोट जरूरी है। एग्जिबिट का मतलब वैसे भी एग्जिबिशन से है, प्रदर्शनी, तो आपको टेबल्स प्रेजेंट करनी है, ठीक। ये टेबल्स की चेकलिस्ट है, कॉलम हेडिंग करेक्ट है, ग्रामर करेक्ट है, टेबल नंबर करेक्ट है, डाटा एक्यूरेटली उसमें एंटर किया गया है, और ऑल द टोटल एंड अदर कंप्यूटेशन सब कुछ करेक्ट है। थर्ड जो आपका फॉर्मेट का पार्ट है वो है टर्मिनल आइटम्स। टर्मिनल आइटम्स लास्ट आइटम है, इसीलिए इनको टर्मिनल आइटम भी कहते हैं। इसमें भी आपके तीन पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स में क्या क्या लिखेंगे, वो है सबसे पहले सप्लीमेंट्री और सेकेंडरी रेफरेंस अपेंडिक्स में लिखे जाते हैं, बट ऑल प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल ऑफ इमीडिएट इम्पोर्टेंस
to the reader is incorporated in the text. सबसे पहले सप्लीमेंट्री और सेकेंडरी रेफरेंस अपेंडिक्स में होते हैं, फिर मटेरियल दैट इज यूजुअली पुट इन अपेंडिक्स, ओरिजिनल डाटा, लॉग टेबल, ये लॉन्ग टेबल, लॉन्ग कोटेशन, सपोर्टिव लीगल डिसीजन लॉ डॉक्यूमेंट्स, इलस्ट्रेटिव मटेरियल, एक्सटेंसिव कंप्यूटेशन, क्वेश्चनेयर, केस स्टडी, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ इंटरव्यूज। तो अपेंडिक्स सिंपल सा आपका लास्ट पेज होता है, ठीक है, हम यहाँ लास्ट पेजेज ही डिस्कस कर रहे हैं। अपेंडिक्स में अगर आपके पास कोई ओरिजिनल डाटा है जिसके बेसिस पर आपने रिपोर्ट राइटिंग की है उसको पीछे लगा सकते हैं, कोई बड़ी टेबल है उसको पीछे लगा दीजिए, कोई कोटेशन है पीछे लगा सकते हैं उसको आपकी रिपोर्ट की लास्ट में, इलस्ट्रेटिव मटेरियल है और क्वेश्चनेयर, आपके यहाँ केवल क्वेश्चनेयर लगना है इसमें, वो सफिशियंट है। लेकिन हम अलग अलग तरह, मैंने कहा रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हर तरह की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो कहीं केस स्टडी लास्ट के पेजेज होते हैं, कहीं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंटरव्यूज लास्ट पेज होंगे। शेड्यूल से डाटा कलेक्ट किया है तो शेड्यूल की कॉपी लगेगी, ये अपेंडिक्स में आती है। आप क्वेश्चनेयर से कर रहे हैं, क्वेश्चनेयर की कॉपी लगेगी, ठीक। तो ये सिंपल है सब कुछ। नंबरिंग ऑफ अपेंडिक्स अगर लगता है आपका तो कर सकते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। टेबल ऑफ कंटेंट में अपेंडिक्स लिखी होती है तभी लोग लास्ट का पेज पलट के वहां चेक कर लेते हैं। उसके बाद है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का फॉर्मेट होता है उसे लिखने का, ठीक है, जैसे MLA फॉर्मेट है एक बिब्लियोग्राफी लिखने का और बहुत सारे हैं, ठीक। लेकिन बिब्लियोग्राफी में क्या आता है ये सीख सकते हैं आप। तो बिब्लियोग्राफी में सोर्स ऑफ एवरी रेफरेंस साइटेड होता है, ठीक। आपने जहाँ से भी, जिस भी वेबसाइट से, जिस किताब से, जिस मैगजीन से, जिस न्यूज़पेपर से सोर्स ऑफ डाटा आपका रहा, उसका आपको एक सीक्वेंस होता है, उसका एक फॉर्मेट भी होता है, उस फॉर्मेट में आपको बिब्लियोग्राफी पोजीशन्ड करनी है। यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसे भी लिखा जाता है, ये जनरल गाइडलाइन है। बुक्स, फिर टाइटल, फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, फिर पब्लिशर, फिर डेट ऑफ पब्लिकेशन। ये बुक्स के केस में ऑर्डर होता है, सबसे पहले ऑथर का नाम आएगा, उसके बाद टाइटल आएगा, उसके बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखा जाता है, फिर कॉमा लगा के पब्लिकेशन और डेट ऑफ पब्लिकेशन लिख के फुल स्टॉप लगा देते हैं। जबकि मैगजीन के केस में ऑथर का नाम, फिर टाइटल ऑफ आर्टिकल का नाम, फिर टाइटल ऑफ मैगजीन का नाम, फिर वॉल्यूम नंबर, उसके बाद सीरियल नंबर और डेट ऑफ इशू लिखा जाता है, और लास्ट पार्ट है आपका ग्लोसरी, इसको आप जानते ही हैं, वो एक छोटी सी डिक्शनरी है आपकी जो सारी फ्रेज, टेक्निकल टर्म और सम थिंग विच इज अनफेमिलियर टू रीडर, वो जो लिखी गई है उन सब का डिस्क्रिप्शन होता है, उसी को ग्लोसरी कहते हैं। बिब्लियोग्राफी के बाद ग्लोसरी लगाइए, ज़्यादा अच्छा होता है, बाकी आप जैसे चाहें, अगर पहले भी लगाते हैं तब भी ठीक है, लेकिन ग्लोसरी सबसे लास्ट में लगती है, वही लगानी चाहिए। ग्लोसरी में आप सिंपल सा उन टर्म्स जिनको आपको एक्सप्लेन करना है वो सारे टर्म्स के दो कॉलम बनाते हैं, एक तरफ टर्म एक तरफ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। चौथा है इंडेक्स। दो तरह की इंडेक्स हो सकती है, सब्जेक्ट इंडेक्स या फिर ऑथर इंडेक्स। ऑथर इंडेक्स में आपके नेम ऑफ पर्सन, डिस्कशन इन रिपोर्ट, ठीक, अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, इसको आपका ऑथर इंडेक्स कहते हैं, जिन जिन लोगों से आपने डिस्कस किया। उसके बाद सब्जेक्ट इंडेक्स में जो भी सब्जेक्ट मैटर था जिसको डिस्कस किया गया था, लाइक प्लेस, इवेंट, डेफिनेशन, कंसेप्ट,
एंड इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाता है इनको भी। आपकी जो मार्केट सर्वे रिपोर्ट है वहाँ ये नहीं लगती है, ठीक है। तो पब्लिकेशन के पर्पज से जो बड़ी टेक्निकल और पॉपुलर रिपोर्ट पब्लिश होती हैं वहाँ आपको इंडेक्स का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ आपको हेड तो याद रहना ही चाहिए, फिर ये पढ़िए आप, बहुत ईजी चीज़ें हैं ये। इंडेक्स, ग्लोसरी, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स, ये चार चीज़ें आती हैं आपके, जिसको टर्मिनल जो थर्ड सेक्शन है किसी भी रिसर्च रिपोर्ट का। तो आपने तीन सेक्शन पढ़े, जनरल डिस्कशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, उसके बाद आपने टर्मिनल आइटम्स, और सबसे पहले आपने प्रीफैक्टरी आइटम्स पढ़े। तो तीन मेन बॉडी, प्रीफैक्टरी और टर्मिनल आइटम्स को मिलाकर आपका ओवरऑल फॉर्मेट ऑफ बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, ग्लोसरी ठीक इतना सफिशियंट है आपको रिपोर्ट राइटिंग में। आप रिपोर्ट पढ़िए, उसकी दो डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिपोर्ट सीखिए, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट, देन अगर आपसे लेआउट ऑफ रिपोर्ट पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट पूछा जाता है, तो आप तीन पॉइंट्स में बाकी उनके सब पॉइंट्स को कंसीडर करिए, जिसमें प्रीफैक्टरी आइटम्स, मेन बॉडी और टर्मिनल आइटम्स, इनमें बहुत सारे हेड्स हैं। लेकिन अगर आपसे फेज पूछे जाते हैं तो ऊपर वाले चार फेज आप द लॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, देन प्रिपेयर ए आउटलाइन फॉर रिसर्च, देन प्रिपेयर ए ड्राफ्ट वर्क और लास्ट द पॉलिशिंग एंड फाइनलिंग द रिसर्च रिपोर्ट, इनको कंसीडर करते हुए आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सफिशियंट है इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपका।